तीखा चटपटा मजेदार जो हर खाने का 100 गुना स्वाद बढ़ा दे, ऐसा गोभी का अचार जिसे मिनटों में बनाकर आप रखेंगे सालों साल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोभी के अचार की ऐसी जबरदस्त रेसिपी कि आप देखते ही बनाएंगे फिर रुक नहीं पाएंगे। इतना टेस्टी बनेगा कि आप अपने तीनों वक्त का खाना गोभी के अचार के बगैर नहीं खाएंगे। एक बार बना के इस तरह रख लीजिए, आप इसे सालों साल स्टोर कर सकते हैं। ऐसी सीक्रेट टिप्स आपको बताऊंगी कि आपका किसी भी प्रकार का अचार कभी खराब नहीं होगा, साथ ही आप उसे लंबे समय के लिए स्टोर भी कर पाएंगे। साथ ही इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी एक सीक्रेट वाला अचार मसाला जिसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और उस अचार मसाले से किसी भी प्रकार का अचार आप बना सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर टेस्टी तीखा चटपटा मजेदार गोभी का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 700 ग्राम ताजी फूल गोभी। इन दिनों तो फूल गोभी का सीजन भी है, खूब सस्ती मिल रही है और बहुत बढ़िया मिल रही है, एकदम फ्रेश। देखिए इस तरह की, तो आपको यहाँ जो गोभी लेनी है बस ऐसे एकदम साफ वाली हो, टाइट हो, इस तरह की, बहुत ही बढ़िया इससे अचार बनता है। इसमें से पहले पीछे के मोटे मोटे डंठल देखिए काट देंगे और काट करके देखिए इस तरह चाकू से धीरे धीरे ये पोर्शन कट कर लेंगे तो जो सारे फ्लोरेट्स हैं गोभी के वो इजीली अलग हो जाएंगे। गोभी का अचार बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा फूलों को छोटा छोटा नहीं करना है, बस मीडियम साइज के होने चाहिए। देखिए इस तरह, बहुत छोटा कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेंगे अचार में, या बहुत बड़े कर देंगे तो अचार बनने में समय लग जाएगा, बिल्कुल ऐसा रखिए। लीजिए गोभी, मैंने सारे फ्लोरेट्स अलग कर लिए हैं इस तरह, और इस तरह से सारे गोभी के फूल काटने के बाद इसको हम 2 से 3 बार बढ़िया पानी से पहले धो लेंगे। लीजिए मैंने सारे गोभी को अच्छे से धो लिया है। यहाँ जो पीछे का मोटा वाला डंठल होता है ना वो आपको हटा देना है। अब यहाँ पर गैस पर मैंने चढ़ा रखा था पानी, पानी में एक बढ़िया उबाल आ गया है तो इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी। हल्दी नमक के पानी में हम गोभी को जब एक बॉईल ले लेते हैं तो उससे सारे ही कीड़े खत्म हो जाते हैं, गोभी एकदम साफ हो जाती है। बस उबलते पानी में सारे गोभी के फूल हम इस तरह डाल देंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, वरना क्या होगा गोभी बहुत ज्यादा नरम हो जाएगी और फिर जब आप अचार बनाएंगे तो वो मैश हो जाएगी। आपको अचार बनाने में इसी बात का ख्याल रखना है कि हल्की नरम होनी चाहिए गोभी, क्रंच बना रहना चाहिए। और 2 से 3 मिनट बाद बस गैस को ऑफ कर देंगे और छलनी से सारा गोभी एक बड़ी छलनी पर निकाल लेंगे, जो भी पानी होगा सारा नीचे निकल जाएगा। देखिए इस तरह परफेक्ट, सारा पानी टपकने देंगे। सारा पानी गोभी का निकल गया है, अब हम लेंगे एक बड़ी टॉवल या कोई भी कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से गोभी के फूलों को इस पर डाल देंगे। जो भी थोड़ी बहुत नमी होगी वो सारी सूख जाएगी। यहाँ पर हमें गोभी को 2 से 3 घंटे के लिए धूप दिखानी है। अब आप सोच रहे होंगे अगर धूप नहीं आती हो तो क्या करें, कोई परेशानी नहीं, आप इसको उठा करके 3-4 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दीजिए। मतलब ऐसा है कि अचार कोई भी बनाए उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, नमी होती है तो अक्सर फंगस आ जाती है, अचार सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इसी बात का हमें ध्यान रखना है। और ये लीजिए 2 से 3 घंटे हो गए थे धूप में, बिल्कुल बढ़िया गोभी का सारा पानी सूख गया है, बिल्कुल सूखी गोभी है, नमी नहीं है। चलिए तो फटाफट से बनाते हैं जबरदस्त टेस्टी बाजार से भी बढ़िया अचार मसाला जिसको आप लंबे समय के लिए स्टोर भी कर पाएंगे। गैस पर चढ़ाएंगे एक पैन, फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम। सबसे पहले मैं इसमें ले रही हूँ 3 बड़ा चम्मच सौंफ। हरी सौंफ अचारों में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप 3 से 4 बड़े चम्मच के करीब सौंफ ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच भरकर साबुत धनिया। जिस तरह से ये मैं अचार मसाला बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा, बहुत ज्यादा टेस्ट आएगा आपके अचार में। फ्लेम को इस टाइम पर बिल्कुल लो रखें, कोई चीज जले नहीं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना डालने से जो अचार है वो ज्यादा दिन तक खराब नहीं होते हैं, साथ के साथ टेस्ट अच्छा आता है। यदि आप मेथी दाने का फ्लेवर नहीं लाइक करते हो तो आप इसे हटा सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच भरकर डालेंगे अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच जीरा। ये सभी चीजें अचार में बहुत ही बढ़िया स्वाद जगाती हैं और अजवाइन वगैरह डाइजेशन के लिए भी बढ़िया रहती है। गोभी का अचार है ना तो अजवाइन जरूर डालिएगा। अब लो फ्लेम पर सिर्फ 1-1.5 मिनट बढ़िया से भून लेंगे जिससे कि जो भी इनमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाए, फिर हमारे अचार में बढ़िया खुशबू आए। बस हल्का सा ही भूनना है और ये देखिए आप इसकी खरकदार आवाज सुन सकते हैं, एकदम बढ़िया से हमारी सारी चीजें भुन गई हैं। तो इस स्टेज पर गैस को कर देंगे बंद और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच राई। राई को बहुत ज्यादा भूनना नहीं होता, वो यहीं पर हल्की सी गर्म है ना पैन, इसी में भुन जाएगी।
लीजिए। तो ये सारी चीजें बढ़िया से भुन गई हैं। इन सभी को होने देंगे ठंडा। अब इसी पैन में यहां पर मैं ले रही हूँ 1 कप सरसों का तेल। सरसों का तेल अचारों के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, तो अचार खराब नहीं होते। अगर आप सरसों का तेल नहीं लाइक करें तो आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो इस कप से 1 कप भर के सरसों का तेल लेंगे। यहाँ पर तेल को मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से धुएंदार हमें गर्म कर लेना है, जिससे सरसों के तेल में जो भी तीखापन होता है ना, एक पंजेंट स्मेल होती है, वो पूरी निकल जाएगी। ये अचार बनाना बेहद आसान है और सबसे अच्छी बात है इस तरह एक बार बना करके आप इसे सालों साल स्टोर कर सकते हैं। आगे मैं आपको वो टिप्स भी बताऊंगी कि कैसे आपको अचार को स्टोर करना है और किस तरह से आपको अचार को रखना है कि वो कभी खराब ना हो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तेल में से धुआं निकल रहा है, तो इसे स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और तेल को पूरी तरह ठंडा होने देंगे। लीजिए हमारे मसाले भी ठंडे हो गए हैं। अब हम लेंगे 1 ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में सारे ही अपने मसाले डाल देंगे। साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हींग, बहुत अच्छा टेस्ट आता है अचार में। साथ में जाएगी 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच काला नमक और 2 से 3 बड़ा चम्मच में डाल रही हूँ सफेद नमक, यानी हमारा रेगुलर वाला नमक। नमक अचार वगैरह में थोड़ा ज्यादा ही रखें तभी टेस्ट आता है। और 2 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जिसमें मिर्च कम होती है पर अचार में ना कलर बहुत बढ़िया दे देती है। अगर आप प्लेन वाली डाल रहे हो तो कम डालें। और साथ में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर अच्छी खटास के लिए। आप ज्यादा खट्टा पसंद करते हो तो 2 चम्मच डाल लीजिए। अब सभी चीजों को दर दरा सा पीस लेंगे, बहुत ज्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दर दरा। तो पल्स पर मिक्सी को चलाइएगा, थोड़ा चलाइए थोड़ा रुकिए इस तरह से। ये लीजिए मैंने सभी चीजों को बढ़िया से पीस लिया है और देखिए कितना बढ़िया हमारा अचार मसाला बन करके तैयार हुआ है। अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल इस टेक्सचर का आपको इसको बनाना है, तब वो अचार में ना रंगत दिखती है। तो इसको एक बोल में निकाल लेंगे। अब यहां पर मैं इसमें डाल रही हूं अपने अचार को और भी ज्यादा टेस्टी और जबरदस्त लुकिंग वाइज भी बढ़िया बनाने के लिए सरसों वाली दाल, जिसे हम पीली राई या पीली सरसों भी बोलते हैं। तो ये ना दाल वाली फॉर्म में, तो अगर आपके पास ये वाली हो तो ये ले लीजिए, या फिर पीली सरसों हो तो वो ले लीजिए। तो इसको यहीं पर हम डाल देंगे। लगभग 4 बड़े चम्मच के करीब मैंने ये सरसों वाली दाल ली है। बहुत ही सुंदर लुकिंग आती है अचार में और टेस्ट भी बढ़ जाता है, अच्छी खटास देती है ये अचार में। और अगर नहीं हो ये आपके पास तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। साथ में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच कलौंजी, जिसे हम मंगरैला भी बोलते हैं। इन चीजों को भूना नहीं जाता इसलिए यहाँ डालेंगे बाद में, और ना ही पीसा जाता है। लीजिए हमारा बहुत ही स्वादिष्ट चटपट वाला अचार मसाला है बिल्कुल तैयार। आप इसको एक एयरटाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए, बाहर भी रखेंगे तो भी नहीं खराब होगा, फ्रिज में रखेंगे तो साल भर चल जाएगा। अब इस अचार मसाले से आप किसी भी प्रकार का अचार बना सकते हैं। भरवा जो स्टफ्ड वाली सब्जियां होती हैं, बैगन वगैरह, उसमें यूज कर सकते हैं। अचारी पराठा, अचारी मठरी भी बना सकते हैं, बहुत चीजों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो अब देर कैसी, फटाफट बनाते हैं अपना गोभी का तीखा चटपटा वाला अचार। तो यहाँ पर एक बड़े बोल में मैंने गोभी को ले लिया है। अब यहाँ पर बैचेस में हम डालेंगे हमारा तैयार अचार मसाला इस तरह से, और धीरे धीरे मिक्स करते जाएं, जिससे कि जो गोभी के फ्लोरेट्स है ना, उसमें अंदर तक मसाला लग जाएगा। धीरे धीरे करके डालते जाएंगे। थोड़ा सा मसाला मैं बचा रही हूँ, बाद में जिस हिसाब से जरूरत लगेगी यूज कर लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा गोभी का अचार। अब यहीं पर इसमें हम डालेंगे हमारा तैयार सरसों का तेल, जो कि पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ठंडा ही आपको लेना है तेल, सारा इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा बचा लेंगे। अब अपने अचार को इंस्टेंटली तैयार करने के लिए और साथ के साथ लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़ा चम्मच सफेद सिरका, व्हाइट विनेगर। सिरका डालने से एक तो अचार इंस्टेंटली खट्टे भी हो जाते हैं, साथ के साथ अचार खराब नहीं होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव जैसा काम करता है, तो लंबे समय तक आप इस अचार को रख सकते हैं। अगर आपके पास व्हाइट विनेगर ना हो तो किसी भी प्रकार का सिरका हो, गन्ने का सिरका, एप्पल विनेगर, कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर सिरका ना हो तो आप यहाँ पर नींबू का रस, 2 नींबू का रस निकाल करके वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए क्या मस्त लग रहा है, मतलब मेरे तो मुंह में ही पानी आ रहा है। अच्छा गोभी हल्की सी नरम पहले ही है, तो हमें इसे बहुत ज्यादा दिनों तक रखना नहीं पड़ेगा मैच्योर होने के लिए, सिर्फ 3 दिन काफी है धूप में। इंस्टेंटली भी खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं एक एक फूल के अंदर पूरा मसाला अंदर तक चला गया है, देखिए और कितना प्यारा कलर आया है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये गोभी का अचार, जरूर बनाइएगा आप। ये इस तरीके का अचार है कि आप पराठा, रोटी, पूरी, दाल चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, सबके साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस तरह बना करके इसे स्टोर करेंगे एक स्टरलाइज्ड जार में। तो देखिए अचार वगैरह हमेशा कांच के जार में
परफेक्ट रहते हैं, जल्दी खराब नहीं होते। ये मैंने लिए कांच वाली जार, अच्छे से इसको धो लिया, धो करके धूप में रख दिया था सूखने के लिए। उसके बाद अचार को टेस्टी बनाए रखने के लिए, फंगस से दूर करने के लिए, तो मेरी वाली सीक्रेट टिप, ये मैंने लिया है एक कोयला, जिसे हम चारकोल बोलते हैं। कोयले को पहले बढ़िया से गैस पर गर्म कर लेंगे। इस ट्रिक से अचार ज्यादा स्वादिष्ट भी हो जाते हैं और आपका कोई भी अचार हो वो खराब नहीं होगा। ये देखिए कोयला एकदम बढ़िया गर्म हो गया है, तो बस कोयले को उतारेंगे एक प्लेट पर इस तरह। इस पर डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग, बहुत बेहतरीन खुशबू आएगी इसकी। और देखिए धुआं निकलना शुरू हो गया है, तो तुरंत से अपना जो जार है कांच वाला, या आपने अगर प्लास्टिक का भी लिया है तो भी रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं जलेगा। इस तरह से उल्टा करके रख देंगे और इसमें पूरा धुएं को भरने देंगे लगभग 15 मिनट के लिए। ये लीजिए एकदम बढ़िया हमारा स्टरलाइज जार है बिल्कुल तैयार अचार के लिए। तो चलिए भरते हैं फटाफट से इसमें गोभी का अचार। और आप देख सकते हैं जबरदस्त तीखा चटपटा मजेदार हमारा फूलगोभी का अचार मिनटों में तैयार हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट जरूरी टिप, इस अचार को इस तरह से बना करके आप चाहे तो अभी भी इंजॉय कर सकते हैं, 3 दिन बाद इसका असली स्वाद आएगा, एकदम बढ़िया टेस्ट हो जाएगा। इसको धूप में रख दीजिए और इसमें थोड़ा तेल ऊपर भी डालेंगे। सबसे जरूरी पॉइंट, किसी भी अचार को ज्यादा लंबे समय तक सालों साल अगर आपको रखना है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में तेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेल ही एक ऐसी चीज है जो अचार को खराब होने से बचाता है। तो यदि आपको थोड़ा ही बनाया है आपने और जल्दी आपको खत्म करना है तो बहुत ज्यादा तेल मत डालिए। और ऊपर से कोई भी सूती कपड़ा या फिर इस तरह का एक कोई किचन टिश्यू पेपर लीजिए, ऊपर रैप कीजिए और इसको 3 दिन के लिए इस तरह धूप में रख दीजिए बिना ढक्कन लगाए। फिर 3 दिन बाद आपका अचार मैच्योर हो जाएगा और गोभी का जबरदस्त तीखा चटपटा आपका अचार है बिल्कुल तैयार। जब भी अचार निकालें, सूखी चम्मच से निकालें, साफ चम्मच से निकालें, तो अचार आपका कभी खराब नहीं होगा। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा जबरदस्त टेस्टी तीखा चटपटा मजेदार फूल गोभी का अचार, जिसे बनाना बिल्कुल बनता है, क्योंकि एक बार आपने इसे ट्राई कर लिया तो आपको ये बेहद पसंद आएगा, आप बार बार इसको बनाकर खाएंगे। जरूर से बनाइए, मेरी टिप्स को फॉलो करके बनाइए, बहुत अच्छा आपका अचार बनेगा और अचार खराब भी नहीं होगा। और फिर पराठे, रोटी, पूड़ी, लंच बॉक्स किसी में भी आप इसे एंजॉय कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये बहुत ही स्पेशल तीखा चटपटा फूल गोभी के अचार की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।